नमस्कार, द नगरी न्यूज के खास कार्यक्रम चुनावी नगरी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं साक्षी शर्मा। आज हम बात करेंगे भरतपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों में से एक विधानसभा सीट नदबई। नदबई विधानसभा सीट में सर्वाधिक वोट जाट समाज के हैं। इसके बाद यहां बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति के वोट भी आते हैं। इसके कारण 2003 से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी यहाँ दूसरे नंबर पर रहा है। वहीं 2018 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले जोगिंदर सिंह अवाने ने यहाँ से जीत दर्ज की। इस बार कांग्रेस ने पिछली बार के विजेता पर दाव खेला है और यहां से जोगेंद्र अवाना को मैदान में उतारा है और बीजेपी ने जगत सिंह पर यहां पर दाव खेला है। बात करें यहां के जातिगत समीकरण की तो यहां पर जाट वोटर्स की संख्या सबसे अधिक है। इसके अलावा यहां पर अनुसूचित जाति का भी दबदबा है। 2018 के चुनाव में यहाँ कुल वोटर्स की संख्या 2,66,401 थी, जिनमें पुरुष वोटर्स की संख्या लगभग 1,46,626 थी तो महिला वोटर्स की संख्या 1,28,775 थी। 2018 के चुनाव की अगर बात करें तो इस सीट पर 11 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला रहा, लेकिन बीजेपी और बसपा के बीच कड़ी टक्कर दिखी। बसपा के जोगेंद्र सिंह अवाना ने चुनाव में 50,976 वोट हासिल किए तो दूसरे नंबर पर रही बीजेपी की उम्मीदवार को 46,882 वोट मिले और कांग्रेस यहाँ तीसरे नंबर पर रही। अब बात करें कांग्रेस प्रत्याशी जोगिंदर सिंह अवाना की तो ये लगातार स्वास्थ्य सेवाओं के लिए काम करते आ रहे हैं, जनता के बीच खासा लोकप्रिय भी है। इनको पहले बसपा से जीत मिली थी लेकिन फिर कुछ और साथियों के साथ मिलकर ये कांग्रेस में आए। एलएलबी की डिग्री लेने वाले प्रत्याशी अपनी लोकप्रियता का पूरा फायदा चुनाव में उठा सकते हैं। अब बात करें बीजेपी प्रत्याशी जगत सिंह की तो इनका नाम भी काफी चर्चा में है, क्योंकि जगत सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे नटवर सिंह के बेटे हैं। जगत सिंह कामा और लक्ष्मणगढ़ से विधायक रह चुके हैं, ऐसे में यहाँ मुकाबला काफी रोचक होना तय है। इस बार बात की नदबई विधानसभा क्षेत्र की, अगली बार फिर मिलते हैं और जानते हैं एक और विधानसभा सीट के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।